हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं मशीन बिल्ड। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 9 वोल्ट टू 5 वोल्ट वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो को डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, 9 वोल्ट टू 5 वोल्ट वोल्टेज कन्वर्टर सर्किट, तो दोस्तों इस सर्किट से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों ने पहले भी यूट्यूब पे देखे होंगे, बट दोस्तों कहीं ना कहीं उन वीडियोस को देखने के बाद आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट तो जरूर रहा होगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही एक सिंपल सर्किट है और आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हो, बस आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस सर्किट से रिलेटेड वो सारी जानकारी दूंगा जिन कैपेसिटर को मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। अगर वो कैपेसिटर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा कैपेसिटर का भी यूज करके सर्किट को बना सकते हैं, और आप एक कैपेसिटर का यूज करके भी 5 वोल्ट डीसी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं इस सर्किट से। तो दोस्तों, मैं उन सारी चीजों के बारे में आपको यहां बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सर्किट को जानने से पहले मैं इसके बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आप इस सर्किट का यूज कहां कहां कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप इस सर्किट का यूज अपने फोन को चार्ज करने के लिए कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप 9 वोल्ट की बैटरी को एज ए पावर बैंक अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हो इस सर्किट के द्वारा, ठीक है। और अगर दोस्तों आपके पास 5 वोल्ट का एलईडी है तो आप इस सर्किट का यूज इस 5 वोल्ट के एलईडी को चलाने के लिए कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपके पास 5 वोल्ट का डीसी मोटर है तो आप इस सर्किट का यूज इस 5 वोल्ट के डीसी मोटर को भी चलाने के लिए कर सकते हो। और सपोज दोस्तों, मानिए आपको एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें 5 वोल्ट डीसी सप्लाई सोर्स चाहिए, बट आपके पास 9 वोल्ट का बैटरी है, तो आप इस सर्किट का यूज करके उसमें 5 वोल्ट प्राप्त करके उस सर्किट में 5 वोल्ट सप्लाई दे सकते हो। और सपोज मानिए दोस्तों, अगर आपके पास 6 वोल्ट टू 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और आपको किसी सर्किट को चलाने के लिए 5 वोल्ट डीसी सप्लाई सोर्स चाहिए, तो आप सबसे पहले उस ट्रांसफार्मर में फुल वेव 4 डायोड का यूज करके ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे, फिर उस ब्रिज रेक्टिफायर का जो पॉजिटिव है इस कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे, जो पहला कैपेसिटर है, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे। इसके बाद जैसा टोटल सर्किट है, बस आपको ऐसे ही करना है, कनेक्शन करना है, और आप आसानी से वहाँ 5 वोल्ट डीसी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। और जिस सर्किट को आपको 5 वोल्ट डीसी आउटपुट का सप्लाई सोर्स चाहिए, आप उस सर्किट को इससे चला सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग इस सर्किट के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग पहले से सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस सॉफ्टवेयर पे आ चुके हैं। अब दोस्तों, हम लोग इस सर्किट को अकॉर्डिंग टू द सर्किट डायग्राम इसको हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ अकॉर्डिंग टू द सर्किट 9 वोल्ट के बैटरी को ले लेंगे। अब दोस्तों, इस 9 वोल्ट के बैटरी के साथ एक हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो कि यहाँ 10 μF 50 वोल्ट का है। अब दोस्तों, कैपेसिटर का यहाँ वर्क क्या है? मेनली दोस्तों, ये कैपेसिटर जब इस सर्किट में ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करता है तो उससे अपने आप को चार्ज कर लेता है, और जब इस सर्किट में कम वोल्टेज फ्लो करता है तो अपने को डिस्चार्ज करके उस सर्किट में वोल्टेज लेवल को बनाए रखता है और एक स्मूथ वोल्टेज सप्लाई देता है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर ICLM705 को लगाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये सर्किट का मेन कंपोनेंट है, इसके कारण ही हम लोग यहाँ 9 वोल्ट के करंट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वोल्टेज रेगुलेटर का जो पहला नंबर पिन है वो इनपुट होता है, यानी जो 9 वोल्ट की बैटरी है उसकी जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर से होते हुए इसके हम लोग पहला नंबर पिन से कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों, इसके सेकंड नंबर पिन को हम लोग ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी नेगेटिव के साथ। अब दोस्तों, इसका जो थर्ड नंबर पिन होता है वो होता है आउटपुट, यानी यहाँ से हम लोग 5 वोल्ट डीसी आउटपुट प्राप्त करेंगे। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे कि हम लोग को 5 वोल्ट प्राप्त हो रहा कि नहीं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ 5 वोल्ट प्राप्त हो रहा, बट दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो वोल्टेज एंड करंट है उतना स्मूथ नहीं है। तो दोस्तों, हम लोग को इसको स्मूथ करने के लिए यहाँ एक हम लोग एक 1 μF 50 वोल्ट का इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाएंगे, जिससे इसका जो करंट एंड वोल्टेज है स्मूथ हो जाएगा और हम लोग का जो इक्विपमेंट है इससे और बेहतर तरीके से चलेंगे। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर एक LED भी लगा सकते हैं विथ 500 ओम रेजिस्टेंस के साथ। ये एक इंडिकेटर के लिए आप इसे लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जब मैंने इस LED को यहाँ लगाया तो इस सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप होकर 4.99 वोल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 वोल्ट का LED है, जब इस 5 वोल्ट के सर्किट में चलता है तो उस पर तो कुछ लोड पड़ता ही होगा। तो दोस्तों, आप इसे लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ एक डायोड का यूज़ किया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मैं एक डायोड को ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ डायोड का यूज़ आपको क्यों दिखा रहा हूँ? तो दोस्तों, यहाँ आपको दिखाने चाह रहा हूँ, आप इस सर्किट में 9 वोल्ट टू 12 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके इस सर्किट के माध्यम से 4 वोल्ट के बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ एक डायोड का यूज़ किया है, ताकि जो 4 वोल्ट का बैटरी का जो करंट है इस सर्किट में रिवर्स नहीं आए, ठीक है।
और दोस्तों बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप के सर्किट में 0.33 μF एंड 0.1 μF कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको उन कैपेसिटर का भी यूज़ करके यहाँ दिखा देता हूँ। और दोस्तों हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ 0.33 μF एंड 1 μF कैपेसिटर का यूज़ किया और दोस्तों ये जो सर्किट है वोल्ट मीटर पे 5 वोल्ट आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ 10 μF एंड 1 μF कैपेसिटर का यूज़ क्यों किया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ 10 μF एंड 1 μF कैपेसिटर का यूज़ इसलिए दिखाया क्योंकि आप इस सर्किट में दोस्तों 9 वोल्ट टू 15 वोल्ट का इनपुट दे सकते हो। इसके बाद भी ये दो कैपेसिटर पूरी अच्छी तरीके से करंट को स्मूथ करेंगे और आपका जो इक्विपमेंट है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से चलाएंगे। और एक बात दोस्तों, आप लोग यहाँ एक 470 μF 25 वोल्ट के कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हो। और अभी तक मैंने जिन कैपेसिटर के बारे में आपको बताया, अगर वो कैपेसिटर आपको नहीं मिलते हैं तो आप उसकी जगह पे इस 1 कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, 9 वोल्ट के बैटरी के पास इस कैपेसिटर को लगाना पड़ेगा और जो वोल्टेज रेगुलेटर का थर्ड नंबर पिन है उससे आप आराम से 5 वोल्ट डीसी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप इस 470 μF के कैपेसिटर का यूज करके भी 5 वोल्ट डीसी आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे से जितना हो सका मैंने इस सर्किट के बारे में आप लोगों को जानकारी दी और आई होप दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस सर्किट के बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा, इस सर्किट के बारे में आप लोग कुछ ना कुछ तो जान ही चुके होंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा यह इस तरीके से किसी भी सर्किट के बारे में समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में इसे ज़रूर लिखें। और अगर आप इस तरीके से किसी भी सर्किट के बारे में जानना चाहते हैं तो सर्किट के बारे में भी कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं पूरा ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहिए इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।